मंत्रियों को बदलने की कसरत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री ने हिमाचल के दौरे के दौरान जयराम कैबिनेट के मंत्रियों को तलब कर उनका रिपोर्ट कार्ड देखा, साथ ही उनसे कामकाज का हालचाल जानकर सरकार को रिपीट करने के लिए उनके सुझाव भी लिए। अब जनता सवाल उठा रही है कि अगर मंत्रियों के कामकाज की रिपोर्ट लोगों से पूछी होती तो उन्हें बेहतर जवाब मिल जाता। क्या रिपोर्ट दे गए बीएल संतोष और अब आगे क्या होगा? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं राजेश शर्मा और ओंकार सिंह। क्या आप मंत्रियों की परफॉर्मेंस से खुश हैं? सवाल आपसे पूछा जाना चाहिए था, सवाल जनता से पूछा जाना चाहिए था, लेकिन सवाल खुद मंत्रियों से पूछा गया कि आप बताइए आपने क्या परफॉर्म किया और आप कितना प्रभाव, कितनी छाप जनता पे छोड़ने में कामयाब रहे। सवाल ये पूछा गया मंत्रियों से अपने ही काम का। अगर सवाल जनता से पूछते तो उसके नतीजे या उसका जवाब कुछ और होता। चर्चा कर लेते हैं ओंकार जी, इसमें भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, आजकल हिमाचल के दौरे पे हैं और मिशन रिपीट के लिए अगर हम पार्टी की तैयारियों की बात करें तो बीजेपी दिन रात जुट गई है, माहौल एक तरह से भाजपा बना रही है, चुनावों का क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। भाजपा के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीएल संतोष हैं, वो शिमला में डेरा डाले हुए हैं और बिल्कुल वो एक तरह से चुनावों की तैयारियां हो रही हैं और उन्होंने मंत्रियों को अपने पास एक एक को बुलाया है और पूछा है कि क्या चल रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या काम हुए, क्या काम लंबित हैं, तो इस तरह की चर्चाएं चली हुई हैं। जी, इस तरह की चर्चाएं चली थी। हम पिछले कल वो बातचीत करके चंडीगढ़ के लिए निकल गए ओंकार जी, और जयराम सरकार के मंत्रियों से उन्हीं का रिपोर्ट कार्ड उन्होंने पूछा। और अगर इस पे अब जनता सवाल पूछ रही है कि मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पर अगर जनता से सवाल पूछा होता तो जनता का जवाब सीधे तौर पे उनको मिल गया होता, तो फिर उनसे आप ये कहेंगे कि मंत्रियों से फिर क्यों पूछा होगा उन्होंने, फिर जनता से क्यों नहीं पूछा? पूछना तो जनता से चाहिए था कि आप मंत्री के कामकाज से खुश हैं या नहीं, क्या कहेंगे? अब बिल्कुल देखिए, मंत्रियों से ही पूछा जाए कि उन्होंने पौने पाँच साल में क्या किया है तो इससे बात राजेश जी बनती नहीं है। मंत्रियों की असली रिपोर्ट मांगनी या जाननी है तो उनको, जैसे कि आपने कहा कि जनता की राय जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि पता चल सके कि किस मंत्री ने क्या परफॉर्मेंस की है। अलबत्ता एक यह एक औपचारिकता रह जाती है जी, क्योंकि इनके मंत्री तो हमेशा अपने ही बताएंगे जी मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, तो क्या किया है, असली तस्वीर जो है वो धरातल पे ही नजर आती है। असली तस्वीर धरातल पे ही नजर आती है ओंकार जी, और आपने सही कहा, तो बुद्धिजीवियों ने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि ये चीजें अगर जनता से पूछी जाती कि फला मंत्री आप ये बताइए कि जल शक्ति मंत्री की कौन सी योजना ने आपको प्रभावित किया या जल शक्ति मंत्री ने आपकी कौन सी योजना के माध्यम से कौन सी दिक्कत आपकी दूर कर दी, 24 घंटे का पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सड़कों पर पूछ लिया होता है कि आप परफॉर्मेंस बताइए, क्या आपकी सड़कों में आपके इलाके में गड्ढे हैं, क्या आपको डिपो पे समय पर राशन मिल रहा है, क्या आपको कृषि और बागवानी की के औजार या सब्सिडी या बीज या खाद समय पे मुहैया हो रहे हैं, इस तरह के सवाल अगर जनता से पूछे होते तो वहां मंत्रियों की परफॉर्मेंस या मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड एकदम से उनके सामने हो जाता, लेकिन पूछा गया मंत्रियों से, तो इसीलिए बुद्धिजीवी अब इस पे सवाल उठा रहे हैं। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ओंकार जी, परिवहन पे हम चलते हैं। सबसे पहले परिवहन के जो क्षेत्र का हाल है वो तो अब जनता के सामने खुल के आ गया है। HRTC की बसों की बात कर लीजिए, जगह जगह खड़ी हो गई हैं, तो जनता से पूछते तो जवाब जनता दे देती ना कि वहां देखो बसों के हाल, क्या कहेंगे राजेश जी? बसों की खस्ता हालत ने तो मुख्यमंत्री की उस घोषणा को ही पलीता लगा दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं को आधे किराए पे सफ़र करवाएंगे जी, मगर ये तो उससे उलट हो रहा है। जब से घोषणा हुई है तब से HRTC की दर्जनों बसें जो हैं वो सड़कों पे खटारा होती हुई नजर आ रही हैं, वो खड़ी हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं रही है, उनमें कोई बैठना नहीं चाहता, जब खड़ी हैं तो बैठेगा कौन? बिल्कुल हाँ बिल्कुल, जब खड़ी हैं बसें तो फिर बैठेगा कौन? आप ये देखिए कि अब तो HRTC की वोल्वो बसें भी खड़ी होने लगी हैं, उनकी हालत भी खस्ता है। आप ये देखिए कि बस के सवारियों से भरी हुई बस के दो टायरों की जगह एक टायर से बस चलाई जा रही है, HRTC की हालत समझी जा सकती है। आप ये देखिए जगह जगह बसें कल पुर्जों के अभाव से खड़ी हो रही हैं, परिस्थितियां वहां समझी जा सकती हैं। आप ये देखिए कि चलती हुई दिल्ली जा रही HRTC की बस का अगर डीजल का टैंक गिरकर सड़क पे पड़ जाता है तो
कर्मचारियों की जान से कितना बड़ा जोखिम एचआरटीसी ले रही है ये देखा जा सकता है। और ये अगर चीजें लोगों से पूछी जाती तो इस तरह की प्रतिक्रिया, इस तरह की फीडबैक वहां चली जाती सीधी बीएल संतोष के पास। अब आते हैं, बीएल संतोष ने दरअसल मंत्रियों को बुलाया था और मंत्रियों से जो रिपोर्ट कार्ड के संबंध में दो सवाल किए होंगे उन्होंने। उनका पहला सवाल था कि मंत्रियों के पास सरकार के मिशन रिपीट के लिए क्या फार्मूला है, एक चीज कि सरकार किस तरह रिपीट कर सकती है, पहले तो वो फार्मूला बताइए। और दूसरा, जब वे मंत्री बनाए गए थे तब उनका विजन क्या था और क्या उन्होंने अपने विजन के अनुरूप चार, सवा चार या साढ़े चार साल में वो काम करके दिखाया है जो काम करने की उन्होंने कसम खाई थी। दो चीजें उन्होंने मंत्रियों से पूछी थी। उसके बाद फिर वो बोर्डों, अपने अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों के, मोर्चों के और फिर महामंत्रियों से भी उन्होंने बैठक की जहां मिशन रिपीट को लेकर संभवतः चर्चा की। परिवहन से चलते हैं अब हम पीडब्ल्यूडी की ओर। हालांकि मुख्यमंत्री साहब के पास ये विभाग है और पीडब्ल्यूडी की सड़कों की हालत कैसी है, जरा प्रदेश की पिक्चर एक तस्वीर तो बनाइए। राजेश जी, जैसे कहावत है कि सड़कें भाग्य की रेखाएं होती हैं जी, जिनमें वर्तमान सरकार की पूरी कुंडली लिखी होती है, मगर अब इनकी हालत से लगता है कि इन सड़कों पे जो है वो शनि की ढैया जो है वो सवार हो चली है। सड़कों में अब गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं ये पता ही नहीं चलता है। आप बरमाणा और स्वार घाट उस रोड में आप जाएंगे बिल्कुल, और अंधेरे में चले होंगे और ईश्वर ना करे बारिश भी हुई होगी जी, तो आप एक बहुत बड़ी जोखिम में अपनी जान को डाल सकते हैं, क्योंकि दो दो फुट गहरे गड्ढे होंगे और चार चार मीटर का उनका डायामीटर होगा जी, तो इस तरह से अपनी जान हथेली पे लेकर सैकड़ों ट्रक उस रोड से गुजरते हैं। बिल्कुल, सीमेंट से लदे हुए सैकड़ों ट्रक उस रोड से गुजरते हैं। वही रोड कनेक्ट करता है पर्यटन स्थल मनाली को, वही रोड कनेक्ट करता है अटल टनल को, वही रोड कनेक्ट करता है मुख्यमंत्री के गृह, अगर हम जिला की बात करते हैं, मंडी को। तो सड़क, वहां की सड़कों की हालत देख लीजिए। आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हेलीकॉप्टर में सैर करते रहते हैं और जमीनी हकीकत पता नहीं है, तो सड़कों की स्थिति तो खराब है। शिमला वाले रोड की बात कर ले, जहां से माननीय रोड आप देखिए शिमला के लिए जाते हैं हर दिन, बाया जुखाला घागस से बाया जुखाला शिमला वाली सड़क की हालत देख लीजिए, खराब है, गड्ढे बहुत भयंकर पड़े हैं। उद्योगों की हालत पर अगर हम बात करें, सीमेंट के रेट ने हाय तौबा मचा दी है ओंकार जी, बिल्कुल, तो वहां भी तो परिस्थितियां खराब होती नजर आ रही हैं, क्या कहें? बिल्कुल, ऐसा राजेश जी पहली बार हुआ कि सीमेंट उद्योग ने एक मुश्त ही 35 रुपए प्रति बोरी जो है वो रेट बढ़ा दिए हैं। बिल्कुल, और अब सीमेंट कंपनियों ने दाम घटाने के बजाय सरकार को उल्टा चुनौती दे दी है कि आने वाले समय में हम 15 से 20 रुपए और बढ़ाने जा रहे हैं, सरकार को जो करना है वो कर ले। तो सरकार को एक तरह से उन्होंने एक धमकी वाले लहजे में ये कहा है जी, तो अगर सरकार इसी तरह से ढीली रही तो आने वाला चुनाव जो है वो आम जनता की नजर से गुजरेगा और आम आदमी किसी को भी बख्शता नहीं है। राजेश, बिल्कुल, सीमेंट ने हालत खस्ता कर दी है एक तरह से। सरकार ने तो कमेटी बनाई और वो कमेटी तो वो अभी आप देखिए पिछले कल छापे उस कमेटी ने मारे हैं सीमेंट कंपनियों पे। हालत तो वहां ऐसी लग रही है कि एक तरह से कंट्रोल नहीं अभी नजर आ नहीं रहा। कमेटी को चैलेंज करते हैं कि हम नहीं मानते हैं कमेटी, क्योंकि सरकार हमारे से जो है वो एक्स्ट्रा कुछ भी लेने को तैयार रहती है और जब हमारे मामलात में हमारे बेनिफिट्स देखे जाते हैं तो उद्योगों को कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता है। अब ये सरकार और उद्योग मंत्रियों के उद्योगों के बीच में किस तरह के समझौते होते हैं, तो सरकार को एक बार इस पे रिव्यू कर लेना चाहिए, रिव्यू कर लेना चाहिए कि हम किस तरह से राहत दे सकते हैं, किस तरह से राहत दे सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि हिंदुस्तान में सभी लोगों के पास अपना घर होना चाहिए, वो अपना घर कैसे बनेगा जब आप प्रदेश में ये देखिए कि सीमेंट करीब 465 रुपए की एक 50 किलो का बैग सीमेंट का मिल रहा है आज की अगर हम बात करते हैं, और सरकार जो घर बनाने के लिए जो पात्र लोगों को अनुदान देती है उस अनुदान का मूल्यांकन भी कर लीजिए कितना मिलता है। लेकिन इस तरह की प्रतिक्रिया बीएल संतोष साहब को जनता से मिलती है, आपने ठीक कहा कि इस तरह की हालत वहां चली हुई है, तो पूछा मंत्रियों से गया है। बागवानी और खाद्य आपूर्ति की बात भी कर लेते हैं ओंकार जी। बागवानी में तो आप देखिए सेब को लेकर कितना बड़ा संग्राम हुआ, या किन्नू को जो रेट नहीं मिलता है कितना बड़ा संग्राम हुआ, नींबू तो अब पहुंच से बाहर हो गया, राष्ट्रीय मुद्दा बन गया आज की डेट में। खाद्य आपूर्ति निगम में अब तेल की कीमतें भी तो 20 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई हैं। बिल्कुल, अब दिनों दिन राशन डिपुओं का भी महंगा होता जा रहा है। प्रतिक्रिया
लोगों से पूछी जाती तो बेहतर रहता ना, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, बागवानी की आपने बात पूछी है तो ये किसी से छिपा नहीं है कि आजकल बागवान सबसे ज्यादा दुखी हैं, सबसे ज्यादा त्रस्त हैं, क्योंकि सरकार के पास जब भी बागवानी की सरकार बात करती है तो एक शिवा प्रोजेक्ट है जी, तो उसी के बारे में घुमा फिरा के बातें करते रहती है जी, शिवा में हमने ये कर दिया वो कर दिया, पर असली हालात जमीनी हालात ये है कि किसानों को समय पे सब्सिडी नहीं मिल रही है, किसानों को समय पे बीज नहीं मिल रहा है, किसानों को समय पे खाद नहीं मिल रही है और समय पे उनको कीटनाशक नहीं मिल रहे हैं। हाँ। तो इस किसान और बागवान बहुत बुरी तरह से त्रस्त हैं, दुखी हो चुके हैं, वो जाएं तो जाएं कहां जाएं? बिल्कुल, ऊपर से कुदरती कहर आपको पता ही है, अभी जो हाल ही में 15-20 दिन की जो गर्मियां पड़ी हैं, हाँ, तो इनसे जितने भी आपके आड़ू हैं और सेब बागवान है ये बहुत बुरी तरह से जो है वो फ्रूट दुखी हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्टॉल फ्रूट्स का बहुत बुरा हाल है, आधे से मतलब 60 से 70% जो है वो फसल प्रभावित हुई है राजेश जी। तो इसीलिए बुद्धिजीवी ये सवाल उठा रहे हैं कि बीएल संतोष साहब ने अगर मंत्रियों की परफॉर्मेंस की वास्तविकता जाननी थी तो सच में ही उनको जनता के बीच जाना चाहिए था, उनको ये उस जमीन स्तर पे पहुंच के लोगों से पूछना चाहिए था, लोगों से जांचना चाहिए था कि जिन लोगों के लिए सरकार ने योजनाएं शुरू की हैं, जिन योजनाओं को लागू करने के लिए उनकी मॉनिटरिंग के लिए मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की है, क्या लोग उन मंत्रियों की परफॉर्मेंस से संतुष्ट हैं, खुश हैं? अगर सवाल वहां पूछा होता तो इसका जवाब कुछ और होता, ज्यादा बेहतर होता।